यही वजह है कि आज भारत वैश्विक रूप से मजबूत स्थिति में है। यहाँ से विकसित भारत की उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा, आत्मनिर्भर, सशक्त, उन्नत और समृद्ध। With centuries of history embedded in its walls, the Red Fort is a true example of architectural brilliance. Everybody now awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. When the national anthem is being played during the flag hoisting, a 21-gun salute will also be given. The 105mm light field gun will be giving the salute, and the 8711 field battery will be presenting that. Major Sabmish Kaushik will be the commanding officer of that. These are 14 buglers from the three services. They mark time and, of course, shortly will herald the arrival of the Prime Minister here at the venue, forming the logo of My Bharat, NCC cadets. The NCC, a pillar of discipline and national pride. Cadets undergo rigorous training and inculcate the values of leadership, integrity and responsibility. And of course also the NSS volunteers, known for their selfless service to society, has long been a force for social change. My Bharat, our specially positioned cameras, bringing you these beautiful visuals. In fact, the humidity in the air providing for perfect visuals. My Bharat, जो विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है, गण्यमान्य व्यक्तियों की तीर्था लालगिरे की प्राचीर पर, और हल्की सी बूंदाबांदी के बाद मौसम और भी खुशनुमा होता हुआ ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी ये प्राचीर और वहां मौजूद हैं गण्यमान्य व्यक्ति, प्रतीक्षा है कुछ ही देर में आगमन होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी नींव 1638 में रखी गई और 1648 में तैयार हुआ। इसी लाल किले ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को देखा। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में लाल किले का स्थान हमेशा आजादी की लड़ाई के केंद्र में रहा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का जज्बा हर वीर, हर क्रांतिकारी के, हर देशभक्त के मन में था। यहीं लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया गया और बिगुल की आवाज, जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का।
the National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey, giving the commands as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है. हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे, देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहाँ पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा. Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, ab Pradhan Mantri Lal Kile ki prachir ki or agrasar, vishal aur bhavya Lahori Gate se guzarte huye, pravesh ke liye, isme ek kaat ka pul hai, लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा.
ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें और यहाँ से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं और अब तो यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहाँ ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. Lal Kile ki prachir par vishisht darshak dirgha, jahan par केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले वे यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है, मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ, आंख मिचौली सी चल रही है, बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर, वहीं नज़दीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नज़रों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद, पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एब्सोल्युटली,
And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today is to unite the largest democracy in the world. And today, with much over a billion heads and hearts suffused in saffron, white and green colors, which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression. And yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले के प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National flag guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाडर लीडर सीएस श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था।
जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे,
अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवियों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था, वंदे मातरम, एक ही सपना था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है, अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन, अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने
देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत के हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का यह भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम के पैदावार है और इसलिए
देश का सामान्य मानवी याद करता है। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब यह तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे, मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है, आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे, समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे, मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है, हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था, G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है, और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है, रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के नक्कर लक्ष्य को लेकर के, और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब
होती है, चलती है। अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी देखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें, लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता था। वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। यह हमारा रिफॉर्म, यह ग्रोथ, यह बदलाव, यह सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम, ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है एक लंबा परिवेश है, अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंक के हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं
और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है, उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है, आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चल करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है, देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की बेड़ियों को तोड़ करके निकले हैं। आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ
चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें, हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है, एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेकविध कामों को बढ़ावा रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें, स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं, जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं, वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में नए अवसर बने, तब मैं कह सकता हूं 2 चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है, और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो, हमारा पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
जाने जाना लगा है और हमने ये जो कायाकल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। और उस सबसे सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है, उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है, और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्धित हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरूरत छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं, चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना ना पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है, बिजली पानी गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेज के लिए सरकार सामान्य मानवीय पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेज को दूर किया, हमने देशवासियों के लिए 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े, हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए, हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी के विरासत की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं पर नागरिक को न्याय इस भाव को हमने प्रबल बनाया है, ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करे, हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं, मैं जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल के क्यों न हो, किसी भी राज्य के क्यों न हो, सबसे आग्रह करता हूं कि हमने एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है आप उसके सॉल्यूशन को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखते रहिए, सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं पक्का मानता हूं आज सरकारें संवेदनशील है, हर सरकार स्थानीय स्वराज की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी उसको तवज्जो देगी, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए।
नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था कि मुझे मिला नहीं, उसको खोजना ना पड़े। सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूती चाहिए। आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानवी के लिए, 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवीय का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानवी की जरूरत तो छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है। और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गति दें, तेज गति दें। और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें, दूसरा ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें, और तीसरी बात है नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के विषय में हम प्राथमिकता दें, उसको बल दें। इन तीनों भारत में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का निर्माण किया है और उसके परिणाम स्वरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भरा हुआ है। हमारे देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे देश के सामर्थ्य के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक ललक लेकर के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के अवसर पर हम काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से 2 गुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। मम भाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए, मम भाव भी चाहिए, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है, तब लगता है कि हमारी दिशा सही है। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है,
तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है पीएम जनमन के द्वारा, उनको जो योजनाएं पहुंची थी, आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दूर-दूर इलाकों में छुटपुट छुटपुट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोज के निकाला है, उनके लिए चिंता की है, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं, तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए माँ की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि अब मेरी भी डिग्निटी है, मेरे प्रति सम्मान, देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है। और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। हमारे ट्रांसजेंडर समाज के प्रति हम जिस संवेदना के साथ निर्णय बना रहे हैं, हम नए नए कानून बना रहे हैं, उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तब बदलाव की हमारी दिशा सही दिखता है। सेवा भाव से किए गए इन कामों का, जो त्रिविध मार्गों से हम चले हुए हैं, इन कामों का एक सीधा सीधा लाभ आज उसके परिणाम के रूप में हमें नजर आ रहा है। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा, और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश को लेकर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नई ऊंचाइयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है, वो हमारे संस्कार में नहीं है, हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्पों को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देशवासियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति, बहुत एक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छा इनिशिएटिव लिए है और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप
हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्ग के परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब माँ के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है। और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं। और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और जैसे कई बार, और दोस्तों आज विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाए हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व देश तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला है। हमें साइंस को बहुत बढ़ देने की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है, हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजट में हमने 1,00,000 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए
हमने देने का निर्णय किया है, ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाएं। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा हमारे बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है, हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है, पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी, और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं, ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है, और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूँ, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है, और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है, और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, छोटे छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले, ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है, इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज
अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन फ्लैग, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी धमक लेकर के पहुंच रहे हैं। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। कोई एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, AI जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टैलेंट यहां है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं, और हम उसको का साथियों, एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े। और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है, 5G पे रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी, डिफेंस बजट कितना ही क्यों हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है, डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था। अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने, और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है, उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं,
ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज PLI स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है, FDI रिफॉर्म्स उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है, MSMEs को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट उस पर भी हमने बल दिया है और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं। हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मैंने तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए, राज्य राज्य के बीच निवेशकों खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए निवेशकों के लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए, गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए। राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ इंडिया का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है, हमें कोशिश करनी है। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी
गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए, वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे किए। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारे रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी मांग बढ़ती जा रही है। जब पीएम सूर्य घर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सूर्य से, तो उसका व्हीकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए, मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम
नए सपने नए संकल्प अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है, और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, जो समाज पीछे रह गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे मजदूर हो, हमारे श्रमिक साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सबको हमें बराबरी में लाने के लिए, हमारे बराबर लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। लेकिन अब गति पकड़ गई है, अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा मम भाव बने, हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के चलना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं,
वो सिर्फ निराश है इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से, हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं, और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है, और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए, आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है, और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता, और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी
कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाना भी बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले, शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के है, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के है, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है, अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है।
और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा, देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज हमने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को, फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए, देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया, हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं, एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है, 2047 विकसित भारत ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है।
और साथियों मैं साफ देख रहा हूं मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा, तीन गुना तेज गति से काम करूंगा, तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहे और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर ना छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। From the ramparts of Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi, concluding his first address to the nation after entering his third term as the leader of the government in the country, outlining his hopes and aspirations for the people he leads. Greeting the crowds, greeting the nation, as we all come together to celebrate our 78th Independence Day.
So though the function here at Red Fort concludes, the day has just begun. Celebration and cheer are in the air. It's a memorable and a proud moment for all these school children from the three wings of the National Cadet Corps and the NSS, and here the VIP enclosures, the Indian hockey team, in fact, today is a celebratory day for every Indian living across and inhabiting the many dimensions of our multicultural and multilingual nation, and also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate many things. We celebrate our achievements, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course, all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home. The Prime Minister now boarding his vehicle as he makes his way out from Red Fort. लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प का आह्वान, और उस आह्वान को रेखांकित करते हुए आज प्रधानमंत्री देश का स्वाधीनता दिवस और युवा शक्ति का आह्वान, हर देशवासी का आह्वान कि सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है। The Central Court, which has seen the passage of time and the passage of dignitaries and the passage of our Independence Day celebrations. The Prime Minister's carcade exiting through the Lahore Gate. Maniye Pradhan Mantri Mahode ne लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया राष्ट्र के 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर। न केवल उन्होंने भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी ओर इशारा किया, बल्कि लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति, उसे भी रेखांकित किया और उसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बल दिया। यहाँ उपस्थित जनसमूह को अभिवादन प्रेषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने जो युवा भारत, एक मिनी युवा भारत जो उपस्थित हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की झलक पेश कर रहा है, उसके ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री महोदय का ये काफिला। और अब इस युवा शक्ति के मन में उत्सुकता बढ़ती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री की कारों का काफिला धीमा होता हुआ ज्ञान पथ के सामने आज इन युवाओं ने यहां माय भारत लोगों की आकृति बनाई, एक संदेश दिया देश भर में उन सभी युवाओं को कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, तो वो है देश निर्माण। वो होता है अनुशासन से, प्रतिबद्धता से। यही पाठ इन युवाओं ने पढ़ा है
जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और उसी पाठ का संदेश आज युवाओं को देते हुए प्रधानमंत्री अब इस युवा शक्ति के बीच So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children see their Prime Minister in their midst, this is also an expression of freedom. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep, shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. And the beauty of these fleeting moments will resonate through time, reminding us all that even in the grand spectacle of Independence Day, the true essence lies in the personal, the heartfelt, and the extraordinary touch of a leader who makes each individual feel like a cherished part of our nation's journey. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं. राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है. उसके 2000 कैडेट जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है. देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं. और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुँचे. इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं, और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे. अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है. प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं.
जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है, उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बन जाएगा, इसी युवा शक्ति के बल पर और सही मार्गदर्शन से। In fact, today, as the Prime Minister was taking stock of our growth and achievements, our sense of pride is accompanied by the realization of the milestones we have yet to achieve, of landmarks and turning points we need to arrive at, so that words like independence and freedom take on true meaning for every Indian down the line. And these are the young people that are going to crest those heights. These are the young people that are going to ensure that individual growth is given meaning by collective growth, that the country moves from strength to strength. Very, very excited. Not often that they can see their Prime Minister so up close. And now, of course, the Prime Minister going into the enclosures, greeting the general public, reaching out in many ways. Hands, hearts, hopes. As we celebrate our Independence Day, we not only foreground history, hope, and our home, we foreground the present. We foreground that which empowers life and our home, this motherland that has protectively and with pride nurtured a civilization that is as timeless as it is dynamic, as ancient as it is modern, and as simple as it is complex. And as we can see, celebrations bring us together. Adversity makes us stronger. And of course, challenges make us resilient. And we are a resilient nation. And the future is ours to manifest. Prime Minister, with a beaming smile and an open heart, takes a moment to interact personally with the crowd. His genuine warmth and approachable demeanor creates a powerful connection with the people, reflecting his deep commitment to being in touch with those he serves. For those fortunate enough to be in the crowd today, this encounter will be forever etched in their memories. The sight of their leader mingling with them, sharing smiles and exchanging heartfelt greetings is a moment of profound significance. It reaffirms the spirit of democracy, where leaders and citizens come together in a shared celebration of freedom and progress. बड़े हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे, सभी मानो छू लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ। ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का, जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह, जो जोश उनमें है, उसके लिए शब्द कम हैं। आप स्वयं देखिए। Touching hands, touching hearts, and touching lives.
fact, as we see the diversity in the crowd, as we see the youthfulness in the young children we saw earlier, we know that India has always had a lot to offer the world. And today, it is considered the human resource capital of the world. One can never have enough. Conversations, memories, captured by so many for posterity here today. Smiles writ large on beaming faces as these live images are being beamed directly into your homes by our camera people and our team here. इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान किया है उन विशेष मेहमानों ने जो देश के कोने कोने से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के समक्ष उसके सामने पहुंचे हैं और उन सभी के लिए आज का ये मौका ये अवसर अविस्मरणीय है, कभी न भुलाने वाला। देश का सर्वोच्च नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं और हर कोई उनसे प्रत्यक्ष संवाद चाहता है, हर कोई उनके साथ सेल्फी चाहता है, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है। ऐसा मौका कहाँ मिलता है, ऐसे मौके जीवन में कहाँ आते हैं जब आप अपने देश के सर्वोच्च नेतृत्व को, विश्व के यशस्वी नेतृत्व को अपने पीछे पाते हैं। आज के राष्ट्रीय पर्व की सार्थकता इन सभी लोगों के लिए जो इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, वो सबसे संवाद करना चाहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है ये माहौल, और ऑफकोर्स यकीनन कैमरा पर्सन्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें ये दृश्य लगातार आप तक पहुंचाने हैं सुचारू रूप से। लगातार ये दृश्य और अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री जिन जिन एनक्लोजर्स में जा रहे हैं, और अगर शब्दों में कहें कि जहां तक संभव हो सकता है उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनके बढ़े हुए हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, और ये यादें बन रही हैं, यादें संजो रहे हैं, कहीं वो कैमरों में कैद हो रही हैं और कहीं मानस पटल पर जीवन भर के लिए अंकित हो रही हैं। सफल होता हुआ आज का ये स्वाधीनता दिवस समारोह, चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उनके मन की खुशी उनके चेहरों से किस तरह व्यक्त हो रही है। It appears that for the Prime Minister, these interactions are not mere formalities. They are cherished moments that underscore his dedication to engaging with citizens from all walks of life. The joy and excitement on his face reveal how much he values these personal connections, taking every opportunity to share in the celebrations and experiences of his fellow countrymen. The ability to form relationships, the ability to form personal connects, that's a gift. And Prime Minister Modi is gifted indeed. Indian democracy at its finest on display. And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural and multi-religious nation to stand tall in the comity of nations as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principles of a voice for all places and a place for all voices. And today the Prime Minister listening to many voices, young and old, but particularly the young ones,
this actually is true completion of a celebration that is meaningful to each and every individual over here, particularly those who have been a part of the last 5 to 10 minutes. A youthful India, a democratic India, a rising India with rising aspirations. So as the Prime Minister's carcade gets ready to depart from Red Fort, we too say goodbye, holding firm in the belief that India has come into her own, well on the way to success, the road to progress and prosperity. Keeping her core values of democracy intact, growing from strength to strength. Farewell and Independence Day greetings once again. एक बेहतर कल की यात्रा किसी एक पल से तो शुरू करनी ही पड़ती है, एक खास पल से जो अगर चला जाए तो फिर क्या पता वापस आए ना आए, थमे रुके या इंतजार से क्या बदलेगा, बदलना है तो चलना होगा, यही वो पल है जिसके आगे सुनहरा कल है। स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।